गुड मॉर्निंग बच्चों, आज फिर हम लोग वास्तविक संख्या चैप्टर नंबर 1 ही पढ़ेंगे। इसके अंदर कुछ चीज़ें बची हुई थी, ठीक है। इसमें कुछ बचा हुआ था, जैसे परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएं क्या होती है, इस पर भी क्वेश्चंस बनते हैं। तो हमें जानना है कि परिमेय संख्या क्या होती है और अपरिमेय संख्याएं क्या होती है, ठीक है। तो परिमेय संख्याएं पहले तो हम लोगों ने जान लिया, पहले हम लोगों ने जाना था कि प्राकृत संख्याएं क्या होती है, पूर्ण संख्याएं क्या होती है, पूर्णांक संख्याएं क्या होती है। लेकिन अब हम लोग जानेंगे कि जैसे ये संख्याएं हैं 1 और 0, तो ये तो हमें पता है कि 0 और 1 ये सभी इंटीजर्स नंबर्स होते हैं, ठीक है। लेकिन इन संख्याओं के बीच में भी कुछ नंबर्स लिखे होते हैं, इन संख्याओं के बीच में भी बहुत से नंबर्स होते हैं, ठीक है। इन संख्याओं के बीच में भी बहुत से नंबर होते हैं, जैसे 1/2 अगर बात करें तो 0 और 1 के बीच आता है, अगर 1/3 की अगर बात करें तो 0 और 1 के बीच आता है, 1/4, 1/5, 1/6, ये सब संख्याएं कैसी होती है, 0 और 1 के बीच आती है। तो ये संख्याएं कैसी, कौन सी संख्या कहलाती है, परिमेय संख्याएं कहलाती है। एक्चुअली डेफिनेशन होती क्या है, परिमेय संख्या होती क्या है, इसे हम कैसे डिफाइन करते हैं, देखिए लिख लीजिए, आप कॉपी पर लिख लीजिए, ठीक है। परिमेय संख्या क्या होती है कि ऐसी संख्याएं, ठीक है, ऐसी संख्याएं जिन्हें हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, ऐसी संख्याएं जिन्हें हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, मतलब एक भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, तथा जहां पर क्यू कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, क्यू कैसा नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, वो संख्या क्या कहलाती है, परिमेय संख्याएं कहलाती है, या इसे हम रेशनल नंबर भी कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, रेशनल नंबर्स भी कहते हैं, परिमेय संख्या ये कहलाती है। क्या, एक बार दोबारा रिपीट करता हूँ कि ऐसी संख्याएं जिन्हें हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं तथा क्यू कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ये संख्याएं परिमेय संख्या या रेशनल नंबर्स कहलाती है। एग्जाम्पल के लिए हम कहें कि 5/2, 5/2 मतलब 5/2, इसे हम ऐसा लिख सकते हैं, इसमें हम 2 से भाग दे सकते हैं, ठीक है। इसमें भी हम 5 को 4 से भाग दे सकते हैं, जब हम भाग देंगे तो ये संख्याएं कभी ना कभी शांत हो जाती है, मतलब दशमलव के बाद में पूर्णतः इसमें भाग चला जाता है, पूर्णतः तो नहीं जाता है लेकिन दशमलव के बाद इस डिवाइड हो जाती है, तो ये संख्या क्या कहलाती है, परिमेय संख्याएं कहलाती है। जैसे 5/2, 5/4, 6/4, ये सभी संख्याएं क्या कहलाएगी, आपकी परिमेय संख्याएं कहलाएगी, और भी संख्याएं परिमेय संख्याएं हो सकती है। उसके बाद आते हैं हम अपरिमेय संख्याएं, उसके बाद क्या करते हैं, अपरिमेय संख्याएं या इरेशनल नंबर। अपरिमेय संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या जिन्हें हम पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, ठीक है। परिमेय संख्याओं को हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं लेकिन अपरिमेय संख्याओं को हम पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, वो संख्या कौन सी कहलाती है, अपरिमेय संख्या कहलाती है। ऐसी संख्याएं जिन्हें हम पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। जैसे अगर बात करें, हम एग्जाम्पल करें, √2, √3, π, जैसे √2 की अगर बात करें तो ये संख्याएं कभी शांत नहीं होती, मतलब इन संख्याओं को कभी खत्म नहीं होती, ये संख्याएं चलते ही रहती है और ना ही ये संख्याएं कभी रिपीट होती है, तो ये संख्याएं क्या कहलाती हैं, अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। आप सिंपल इसमें याद रखिए कि रूट वाली जो संख्या है, जो भी संख्या है जिनका हम रूट नहीं निकाल सकते, एग्जैक्ट वर्गमूल नहीं निकाल सकते, वह सभी संख्याएं कौन सी संख्याएं कहलाएगी, अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। तथा पाई भी एक अपरिमेय संख्या होती है, जैसे पाई का मान होता है 3.14159, और भी संख्याएं इसमें बढ़ते जाती है, इसका कोई अंत नहीं होता है, ये कौन सी परिमेय संख्या कहलाएगी, अपरिमेय संख्याएं कहलाती है, ठीक है। अब बात करते हैं कि नंबर लाइंस पर, हमने आपको पहले भी पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, इंटीजर संख्याएं आपको नंबर लाइंस पर बताई है। देखो, परिमेय संख्याओं को नंबर लाइंस पर प्रदर्शित करने के लिए आपको पता होना चाहिए 0 और 1 लिखा हुआ है, तो 0 और 1 के बीच में भी बहुत सी संख्याएं होती हैं, छोटी छोटी संख्याएं होती हैं, वे सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं हो सकती हैं, जिन्हें हम ऐसे प्रदर्शित
प्रदर्शित कर सकते हैं, जैसे 1 और 0 के बूद 1 बाई 2 होता है, 1 बाई 3 होता है, 1 बाई 4, 1 बाई 5, 1 बाई 6, ये सब किसके बीच की संख्या है? 0 और 1 के बीच की परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है ना, थैंक यू।